आज हम राजभोग शिखंड बनाने वाले हैं। स्वागत है आपका मधुरा फूड हिंदी पे। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। चलो तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए पहले ऐसे छन्नी ले लेंगे, उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे कॉटन, और ये दही जमाया हुआ है, गाय के दूध में से जमाया है, इसलिए पानी वाला ज़्यादा है। भैंस का होगा तो वो मस्त गट्ट होगा। पानी निकाल देंगे ऐसे करके, अब ये कपड़े को उठाएंगे और पानी निकालने के लिए ट्राई करेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो, ये अमूल मस्ती वाला या तो कोई भी। ऐसे टाइट करके उसके ऊपर हैवी वज़न रख के उसको फ्रिज में रख देंगे 5 घंटे के लिए, ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो निकल जाए। बाहर रखेंगे तो दही खट्टा हो जाएगा, इसीलिए फ्रिज में रखेंगे। ये केसर है, वो राजभोग श्रीखंड बनाने वाले हैं, इसलिए कलर के लिए केसर और गरम दूध डालेंगे ताकि अच्छा कलर आ जाए। पाँच घंटे हो गए, इसमें डिश डाल के फिर वजन रखा था, अभी चेक कर लेंगे इतना पानी निकला है। अब ये कितना मस्त मस्का रेडी हो गया है, ये देखो। अभी जितना मस्का है उतनी ही शुगर हमको चाहिए, सेम क्वांटिटी में। पहले 6 से 7 चम्मच डालेंगे, फिर चखेंगे, थोड़ा लगे तो फिर वापस डालेंगे। किशमिश, पिस्ता, काजू, बादाम, आप जो पसंद है वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। खट्टा लगा इसलिए 2 से 3 चम्मच और डालेंगे। ये पिसी हुई चीनी ली है, आप पूरी भी डाल सकते हो, लेकिन मेल्ट होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। पिसी हुई डालेंगे तो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। केसर वाला दूध वो डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही बढ़िया। आप आर्टिफिशियल कलर भी डाल सकते हो, लेकिन ये ओरिजिनल कलर ही बहुत ही मस्त लगता है। या भाई, श्रीखंड रेडी है, उसको 1 घंटे के लिए डीप फ्रीज में डाल देंगे। 1 घंटे के बाद इलायची पाउडर 1/2 चम्मच और मिक्स कर लेंगे। आप पहले भी इलायची पाउडर डाल सकते हो, लेकिन बाद में डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।